आपके साथ। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए जनरल इलेक्शन में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समीकरण तैयार कर रही है। इस बीच सोमवार को पीपीपी की बैठक हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें नवाज की पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। एक तरफ जहां पंजाब से पार्टी नेताओं ने PMLN के साथ जाने पर जोर दिया, वहीं बाकी नेताओं ने इसके खिलाफ सलाह दी है। आज पार्टी की मीटिंग फिर हो गई। सोमवार शाम एक रिपोर्ट में नया दावा सामने आया। इसके मुताबिक दोनों पार्टियां पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार कर रही हैं। इसके तहत 5 साल के कार्यकाल में से 3 साल शहबाज शरीफ और 2 साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री रहेंगे। 2013 में बलूचिस्तान प्रांत में किसी को बहुमत नहीं मिला था, तब PMLN और नेशनल पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए इसी तरह का समझौता किया था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि एक सीट NA88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहाँ 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।